नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वो दहशतगर्द खूनी खेल खेलकर जश्न मना रहे थे, डबल मेडल से इलाका सन था। चुनौती पुलिस को दी गई थी, लेकिन आगरा पुलिस ने भी कमर कसी और दबोच लिया एक अपराधी। लेकिन सवाल उठ रहे थे कि आखिर दोहरे हत्याकांड में एक निर्दोष की हस्ती क्यों मिटा दी गई। आगरा के जिला अस्पताल के बाहर उमड़े ये खाकीधारी, जो अपनी साख बचाने के लिए जद्दोजहद में मुस्तैद दिख रहे हैं। इस तरह जिला अस्पताल के बाहर ये चहलकदमी किसी अनहोनी की तस्दीक कर रही है। जनपद के कप्तान साहब भी हलकान हालत में नजर आ रहे हैं। क्या करें, कप्तान साहब की परेशानी लाजमी है। जब कभी दहशत की कहानी लिख बेखौफ बदमाश कानून के मुहाफिजों को चुनौती देते हैं, तो खाकीधारी कुछ इसी हालत में सख्त पकाए खड़े मिलते हैं। डबल मर्डर, बिल्कुल सही सुना आपने, दोहरे हत्याकांड की खबर ने पुलिस की नींद उड़ा कर रख दी। आज खाकीधारी जिन लाशों को एक एक कर उठा रहे हैं, उसमें एक लाश टीटू यादव की है और दूसरी लाश रिंकू की है, जिनके जिस्म में नफरती गोलियां उतार